इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि गुरुग्राम के क्लब के मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप है। आज की घटना है। दक्षिण दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज सुबह फायरिंग की खबर मिली थी। घटना फतेहपुरी बेरी के देरा मंडी इलाके की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि गुरुग्राम के क्लब के मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। दक्षिण दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज सुबह ये फायरिंग की खबर मिली थी। घटना फतेहपुर बेरी के डेरा मंडी इलाके की है। दीपक बिष्ट न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, पूरा मामला क्या है? देखिए, आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ये कॉल मिली थी फतेहपुर बेरी इलाके में, क्योंकि जो आरोपी थे वो दो अलग अलग HR नंबर की गाड़ियों पर थे और काफी कई किलोमीटर तक पीछा किया गया था पीड़ित का। और पीड़ित का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किंग क्लब, एक गुरुग्राम में क्लब चल रहा है, क्लब का मालिक है, जिसके ऊपर फायरिंग की गई है। हालांकि उसे कोई गोलियां नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से गाड़ियों में फायरिंग की गई है उससे यह अंदाजा लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश यहाँ पर रही है। फाइनेंशियल कोई विवाद इनके बीच में रहा था, पुलिस इसका पता लगा रही है। लेकिन जिस तरह से आरोपी हमलावर पूरे रास्ते उसका पीछा करते हुए आए थे और उसको रोकने की कई बार कोशिश की थी, तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में आसपास के जो लोकेशन के CCTV कैमरा फुटेज है उनकी पड़ताल की जा रही है। वहीं पीड़ित से पूछताछ की जा रही है ताकि आरोपियों का पूरा पता लगाया जा सके, क्या किसी गैंग से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।